दीदी मैंने 63 बार ब्लड दे दी। मुझे जूर कैंसर था, बहुत था, ब्लड देने से बिल्कुल जूर कैंसर बिल्कुल नॉर्मल आ गया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है अभी हमारे को डोनेट करने का मौका मिला। लेने वालों की कमी पड़ रही है और देने वाले इतने ज्यादा है यहाँ पे। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया जी। नमस्कार, मेरे स्वागत है आपका इस चैनल पर। आप देख रहे हैं लगातार डेरा सच्चा सौदा प्रांगण में चल रहे 101वें पावन अवतार दिवस की कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। और बता देना चाहेंगे आपको कि डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का ये 101वां पावन जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर अनेक कार्य किए गए हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। डेरा के अनुयायी यहाँ पर भारी तादाद में पहुंचे हैं। लिए चलते हैं आपको ये पूरी झलकियाँ दिखाते हैं, कैसा जज्बा है लोगों का, किस तरीके से लोग यहाँ पर ये मानवता का जो कार्य करते हुए, मानवता भलाई का ये कार्य करते हुए किस तरीके से अपने गुरु को ये समर्पित कर रहे हैं। सतगुरु की रही आश्रय, मैं संगरूर से बोल रही हूँ। मैं 24 बार पहले ब्लड डोनेट किया है। अगर हमारा कभी भी डोनेट देने से हम कभी चुक जाएं तो हमारा मूड बहुत खराब होता है। अब भी हम सुबह से ही लाइन में लगे हैं, मालिक का शुक्राना करते हैं। अभी हमारे को भंडारे के दिन में हमारे को डोनेट करने का मौका मिला है। हम मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मालिक को यही कहते हैं कि हमें इस काबिल बनाए रखे ताकि हम किसी के काम आ सके। तो ब्लड डोनेशन ही क्यों, इसके अलावा भी कोई कार्य है जो, जैसे सफाई अभियान है, अरे किसी का मतलब रोड पे जाते हुए किसी को कोई चोट पहुंच गया उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाने का है, कोई भी ऐसा काम हो तो हम तत्परता से तैयार रहते हैं। ये कहाँ से प्रेरणा, कहाँ से मिलता है ये सब? जैसे गुरु जी सच्चा सौदा वाले, डेरा सच्चा सौदा वाले एम एस जी से मिली हमें। हम मतलब जो भी सेवा आए हमारे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी डेरे में कोई भी सेवा चलती है तो हमारे को यही होता है हमारा बीच में जरूर कोई ना कोई बीच में थोड़ा सा योगदान पड़े। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्लड? आज बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत खुशी हो रही है अभी हमारे को डोनेट करने का मौका मिला। मुस्कुराता हुआ चेहरा गवाही दे रहा है कि मानवता भलाई का ये कार्य करके, ब्लड डोनेशन करके इनको कितनी खुशी महसूस हो रही है। ये एक और महिला है हमारे साथ जिन्होंने ये मानवता भलाई का कार्य किया है। बात करते हैं इनसे, क्या नाम और कहाँ से आए? रिसाल इंसा, दिल्ली से जी। ब्लड देने के लिए आया, मानवता भलाई के लिए ब्लड मैं सब देती रहती हूँ। दीदी मैंने 63 बार ब्लड दे दिया। 63 बार, क्या जज्बा है, कहाँ से ये प्रेरणा? दिल्ली से, ये अपने गुरुजी से। हमारे गुरुजी ने बोला है कि भाई मानवता भलाई का ये सेवा करते रहो, फौजियों के लिए भी देते रहते हैं। दीदी हम अभी पुलवामा में हुआ था फरवरी में, उसने भी दिया था। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, लेने वालों की कमी पड़ रही है और देने वाले इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे कि हम जैसे लेते जा रहे हैं तो बेड कोई भी खाली नहीं मिल रहा है जो ब्लड डोनेट करता। और हम बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, मानवता भलाई की सेवा करते हैं और अपने आप को मानव की सेवा में लगा के अपने आप को बहुत ही धन्य मानते हैं और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया और गुरु जी के जो भी हम कर रहे हैं सब। ब्लड में नियर अबाउट 50 बार दे दिया होगा। हर 3 महीने बाद देते हैं। हर 3 महीने बाद आप ब्लड डोनेट करते हैं? अप्लाई भी हूँ, जॉब भी करता हूँ, पंजाब से हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट मानसा से रेड सिटी बोर्ड में जॉब करता हूँ। मैं ब्लड देने से क्या होता है, जो ब्लड नया बनता है बहुत अच्छा बनता है। वैसे भी है मेडिकल लाइन से भी जो ब्लड नया आता है बनता है वो अच्छा बनता है, जो गंदा ब्लड देने से बीमारियाँ खत्म होती हैं, बीमारियाँ खत्म होती हैं और मेरी हुई हैं। मुझे जूर कैंसर था, बहुत था, ब्लड देने से बिल्कुल जूर कैंसर बिल्कुल नॉर्मल आ गया। आपका क्या नाम है? मीना कुमारी इंसान। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। हिसार से आपने कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? 52वीं बार किया। अब 52वीं बार ब्लड डोनेट किया। आप कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कुछ चमत्कार होते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? ब्लड डोनेट करने से वाकई चमत्कार होते हैं कि देखो हम तंदुरुस्त हैं, फिट हैं, दौड़े फिरते हैं, भाग भाग की सेवा करते हैं, हमें फील ही नहीं होता। अभी जैसे ब्लड डोनेट किया है, अभी मैं उठूंगी, अब सेवा करेंगे हम भाग भाग के, कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता हमें कि ब्लड भी दिया, बल्कि
बहुत ज्यादा फुर्ती आती है, तंदुरुस्ती आती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ब्लड डोनेट किया है और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं काफी ब्लड डोनेट कर रहे हैं।